दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आखिरकार होते क्या हैं, किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी जाती है, किस तरीके से नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी जाती है। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, आप चाहे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कई बार ग्रॉस प्रॉफिट की जगह आपको कई बार ग्रॉस लॉस है जो दिखाई देता है, या नेट प्रॉफिट की जगह आपको नेट लॉस भी दिखाई दे सकते हैं। तो आखिरकार क्यों दिखाई दे रहा है नेट लॉस या ग्रॉस लॉस? क्या आपने कोई अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त आपने कोई मिस्टेक कर दी, या फिर रियलिटी में आपकी बिजनेस में लॉस है जो आ रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों ये सारी बातें प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे भी आखिरकार ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस प्रकार करी जाती है, या फिर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस प्रकार करी जाती है, क्या मेथड रहता है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में एक्सेल में चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे भी किस तरीके से एक्सेल में हम फॉर्मूला लगा के ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो आपको अपने आप ही ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन या फिर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके दे देता है, तो आज हम इसको प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जब भी बात आती है प्रॉफिट की तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ती है ग्रॉस प्रॉफिट से भी हमारे बिजनेस में हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। तो दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर में ग्रॉस प्रॉफिट को देखने के लिए हम गेटवे टेली पर रहते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन अलग शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अलग शो करता है, लेकिन टेली में आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन शो होते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करेंगे और एल्ट F1 के साथ इसकी डिटेल को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डेट यहाँ से चेक कर लेनी है भी आप जो भी डाटा चेक कर रहे हो वो आपके सामने पीरियड प्रॉपरली यहाँ पर शो हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपके सामने जो परचेज सेल का जो डाटा आ रहा है वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक आपने जितनी भी वर्किंग करी है उसी का डाटा आपके सामने शो हो रहा है। अब मान लीजिए आपने कोई सितंबर मंथ 2021 में भी आपने वर्किंग करी होगी तो उसका डाटा अभी आपको इस चार्ट पर शो नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप कोई ट्रेडिंग अकाउंट या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या भी कोई भी रिकॉर्ड चेक कर रहे हो तो प्रॉपर उस डेट को एक बार जरूर चेक कर लें। तो हम इसके पूरे साल का डाटा ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का डाटा ओपन कर लिया। अब इससे क्या होगा भी हमारे पास जो भी कोई एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री अब हमारे सामने शो हो जाएगी, पूरे साल का डाटा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की या फिर ग्रॉस लॉस की। तो अभी हमारे बुक्स में आप देख रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ अलग अलग हमारी अकाउंटिंग पर डिपेंड करते हैं, जिससे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है, हमने गुड्स में परचेज हमने कितना किया हुआ है, उसके बाद हमारा सेल कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपके पास डायरेक्ट इनकम कितनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उस सब पर ये डिपेंड करता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन हुई है वो यानी कि हमने इस बिज़नेस में टोटल 75,637 रुपये का सामान हमने परचेज किया है और उसके बाद में 60,643 रुपये का हमने गुड सेल किया है और ये 33,748 रुपये और 84 पैसे का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो यानी कि सेल की अमाउंट को और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को यहाँ पर ऐड होता है, जैसे कि 94,391 रुपये और 84 पैसे। तो इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक और आपका परचेज माइनस में हो जाएगा, तो आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक्सेल चार्ट में। जैसा कि हमने एक्सेल चार्ट हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, सेम वही डाटा हमने जो टैली में अभी हमने देखा वही डाटा हमने यहाँ पर लिया है। अब जैसे कि हमारे पास परचेज एक लोकल की है, 4,037 रुपये का हमने राजस्थान से गुड्स परचेज किया हुआ है और 71,600 का हमने आउट ऑफ स्टेट से परचेज किया हुआ। तो जो नेट हमारी परचेज है वो 75,637 रुपये की है। इस तरीके से हमारे पास जो सेल आ रही है, सेल भी हमने दो तरीके से करी है, लोकल की भी सेल है और आउट ऑफ स्टेट की भी है। तो लोकल हमारी 31,817 और 28,826 हमारी आउट ऑफ स्टेट की सेल है। तो अगर हम टैली में देखें तो टैली में भी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे देगी कि GST 18% लोकल की और
IGST की सेल। और अब आप देख रहे हो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है वो 35,682 रुपये की आ रही है, और जबकि यहाँ पर अगर आप टैली में देखोगे तो आपको पास 33,748 रुपये और 84 पैसे का। तो इसी की वजह से क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट में फ़र्क आ जाएगा। तो हमें टैली में जो ग्रॉस प्रॉफिट शो हो रहा है वो 18,754 रुपये और 84 पैसे का हो रहा है, जबकि हमने एक्सेल चार्ट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो हमें 20,688 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन किस तरीके से, क्योंकि सेल परचेज का डाटा बिल्कुल ओके है, डिफरेंस जो आ रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में आ रहा है। मैंने यहाँ पर जो एक्सेल में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ली हुई है इसके अंदर मैंने लास्ट परचेज कॉस्ट का मेथड यूज किया हुआ है। और अब हम देखते हैं भाई टैली ने ये जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू निकाली है ये कौन से मेथड का यूज करते हुए निकाली है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक F8 यानी कि वैल्यूएशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूएशन मेथड की टोटल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी भाई। अब आपकी जो कंपनी है वो कौन से मेथड को फॉलो करती है, एवरेज प्राइस को करती है, फिफो को करती है, या फिर लिफो को करती है, लास्ट सेल प्राइस करती है, लास्ट परचेज कॉस्ट करती है, तो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग उसको वैल्यूएशन मेथड को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने वहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है लास्ट परचेज कॉस्ट, तो मैं इसमें से लास्ट परचेज कॉस्ट को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे मैं लास्ट परचेज कॉस्ट को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा टैली में भी क्लोजिंग स्टॉक का डाटा चेंज हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो, आपको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अभी आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 33,748 रुपये और 84 पैसे शो हो रही है। जैसे मैं यहाँ से इसको लास्ट परचेज कॉस्ट करूंगा तो अभी आप देख रहे हो इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो चेंज होगी 35,682 रुपये। अब लास्ट परचेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम क्लोजिंग स्टॉक पर चलते हैं और आप देख रहे हो हमारे पास ये दो स्टॉक आइटम बची हुई है, कीबोर्ड विद वायर और माउस विद वायर। तो हम इसको पूरा डाटा को ओपन कर लेंगे, F12 हम प्रेस करेंगे तो इसके अंदर हमें शो इनवर्ड को भी यस कर लेंगे और शो आउटवर्ड को भी यस करेंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है हमने 195 पीस परचेज किए हैं, 103 हमने सेल कर दिए, तो 92 पीस हमारे पास बचे हुए हैं। और ये जो पीस हमारे पास अभी बचे हुए हैं ये 367 यानी कि एक पीस का जो रेट है 367 रुपये, उसके हिसाब से वैल्यूएशन कर रहा है 92 पीस की। और इस पर जब हम इंटर प्रेस करेंगे और पूरा डाटा हम ओपन कर लेंगे तो अभी आप देख रहे हो जो लास्ट हमारी जो परचेज थी वो 367 रुपये पर पीस की थी। लास्ट परचेज का मतलब आपने उस प्रोडक्ट को बिल्कुल लास्ट में कब खरीदा था, यानी कि 8 जुलाई को, तो ये बिल्कुल हमारी लास्ट परचेज है इस प्रोडक्ट की। और उस प्रोडक्ट पे जब हमने परचेज किया था तो उसका हमने 367 रुपये और 11 पैसे पर पीस के हिसाब से पे किया था। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आ रही है अभी यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी 367, तो 33,764 रुपये की स्टॉक आइटम का हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। और इसी तरीके से जो हमारे पास सेकेंड आइटम है माउस विद वायर, तो ये जो प्रोडक्ट हमने टोटल 60 पीस हमने परचेज किए थे, 46 पीस हमने सेल कर दिए, तो 14 पीस हमारे पास बचे हुए। तो इसका जो वैल्यूएशन हमारे पास आ रही है क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू वो 137 रुपये के हिसाब से। तो हम इसको भी चेक करेंगे, क्या हमारी लास्ट परचेज 137 रुपये ही है। तो आप देख रहे हो इससे पहले दो परचेज हमने करी हुई है, एक हमारी परचेज 135 की थी और जो लास्ट है वो 137 रुपये की है। तो इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, जो बचे हुए जो पीस हमारे पास है 14 पीस, उसकी वैल्यू 137 रुपये के हिसाब से शो करेगा। अगर आप शो प्रॉफिट इसमें सिलेक्ट देखना चाहें तो आपको ये प्रॉफिट भी शो करेगा भी आपको इस स्टॉक आइटम के अंदर कितने परसेंट का प्रॉफिट है जो टोटल हुआ है। तो आपको यहाँ पर टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगी, तो नीचे आपको टोटल डिटेल आ जाएगी। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो इस ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब आपको इसमें 7,006 रुपये और 67 पैसे का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। और इस तरीके से आप अपने फर्स्ट आइटम की भी प्रॉफिट आप देख सकते हो। शो प्रॉफिट पर हम क्लिक करेंगे या शॉर्टकट F7 का हम यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, आउटवर्ड में क्वांटिटी वैल्यू कंजप्शन ग्रोस प्रॉफिट। तो ये आपका डेली का डेली ग्रोस प्रॉफिट आपको शो करता रहेगा। तो आपका जो ऑल ओवर जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 13,658 रुपये और पूरा ही आ जाएगा, पैसे इसमें है नहीं। तो अगर इन दोनों की अगर बात करें तो ये टोटल हमारा 20,688 रुपये बनता है। तो ये हमने एक्सेल में बनाया हुआ है। अब ये तो था हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट का। तो अब हम बात करते हैं ग्रोस लॉस की भी, ग्रोस लॉस कब आता है। तो दोस्तों ग्रोस लॉस आने का कारण भी कोई भी प्रोडक्ट हमने मान लीजिए 100 रुपये की हमने परचेज करी है और उसको हमने 80 रुपये में सेल कर दिया, तो जाहिर सी बात है
ग्रोस लॉस होगा, क्योंकि हमने 100 रुपये की जो परचेज जो कॉस्ट है हमारी, उस कॉस्ट से भी हम उस प्रोडक्ट को कम में सेल कर रहे हैं। तो हम इस इनवॉइस में से कुछ चीज़ हम चेंज कम करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये इनवॉइस, हमने इसी इनवॉइस को हम चेंज करते हैं, तो ये जो पीस हमने इसकी वैल्यू 100 रुपये रख देते हैं, इसकी भी वैल्यू हम 257 रुपये है। अगर हम इस स्टॉक की अगर कोई डिटेल देखना चाहें, इस डिटेल के अंदर भी माउस भी वायर है, तो इसकी डिटेल्स हम आज ये चीज़ देख सकते हैं भी कौन सी डिटेल्स है हमारे पास, कौन से प्रोडक्ट की है, कितने रुपए की हमारे पास आई है। तो वो इसको शो करके हम इसकी, तो इसकी जो डिटेल है स्टॉक आइटम पर हम जैसे चले जाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग टाइप के। तो इसके अंदर हम रिलेटेड रिपोर्ट्स में स्टॉक क्वेरी में हम जाएंगे, एल्ट एसएम करेंगे, तो आप देख रहे हो इसके अंदर ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी जो इस प्रोडक्ट की जो परचेज है वो 135 रुपये की है, और जो हमने आउटवर्ड सेल किया अभी तक 257 का किया है। तो हम इसको 135 की जगह 130 रुपये का सेल दिखाते हैं, इसको चेंज करेंगे। सो इसको हम कर देंगे 130 और एंटर प्रेस करते हुए वाउचर को करेंगे सेव। हमने यानी कि जो स्टॉक की वैल्यू है उसको हमने कम कर दिया है। इस तरीके से इसमें भी हम कम कर देंगे, इसको 120 कर देंगे और इसको भी हम 133 रुपये कर देंगे और इस वाउचर को भी करेंगे सेव। तो यानी कि हमने जो हमारी आज सेल थी उसको वैल्यू हम यहाँ पर कम कर रहे हैं, इसको भी हम यहाँ पर 120 रुपये कर देंगे और इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पर 145 कर देंगे। तो यानी कि जो हमारा सेल रेट है वो हमारा कॉस्ट से भी कम जा रहा है। तो इसके बाद हम इसको भी 100 रुपीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमें टोटल ग्रोस लॉस हो गया 12,343 रुपये का। अब ग्रोस लॉस होने की वजह से सबसे पहले हम वैल्यूएशन जाके लास्ट परचेज सेलेक्ट कर दिया, और अब ग्रोस लॉस आने की वजह क्या रही है भी, ये कह रहा है भी आपने 75,637 रुपये का प्रोडक्ट आपने परचेज किए हैं, टोटल 27,612 रुपये की आपने सेल किए हैं, और टोटल आपको अभी तक 35,682 रुपये का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। तो कुल मिला के आपका जो टोटल सेल और स्टॉक की वैल्यू भी जाने तो वो हमारे परचेज कॉस्ट से भी हमारे पास कम आ रही है, तो इसकी वजह से ये हमें 12,343 रुपये का लॉस है जो शो करेगा। तो ये लॉस आने का कारण ये भी हो सकता है हमारा जो सेल रेट है वो हमारा परचेज कॉस्ट से कम जा रहा है। अगर परचेज कॉस्ट 100 रुपये की प्रोडक्ट है, हमने 120 रुपये में सेल करी है, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट ही हमें शो करेगा, ग्रोस लॉस किसी कीमत पे भी शो नहीं करेगा। तो इसी तरीके से नेट प्रॉफिट पे हमारा इफेक्ट आएगा। मान लीजिए हम सेल को वापस थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब एक का ही रेट हम बढ़ा के उस हिसाब से हमने उस हमारे बुक्स को प्रॉफिट पर ले आएंगे। अब मान लीजिए इसको हमने 1000 कर दिया और इसको भी 2000 कर दिया। हम एक स्टॉक आइटम से एक बार इसको प्रॉफिट बढ़ा के देखते हैं और एक आधी आइटम को हम और चेंज कर देंगे, 1000 कर देंगे और इसको 3000 कर देंगे। तो यानी कि हम इसको प्रॉफिट पे लाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हो अब हमारी जो सेल है वो 113,314 रुपये की होगी और 35,682 का अभी भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, तो स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सेल की वजह से हमारा वापस अभी ये ग्रोस प्रॉफिट हो गया। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट है ये डिपेंड करता है हमारे नेट प्रॉफिट के इफेक्ट को। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम के हेड में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे भी 73,359 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है और उसके बाद में टोटल आपने इतने खर्चे कर दिए। तो जो टोटल हमारी इनकम है उस इनकम में से टोटल हमारे जितने भी हमने खर्चे किए वो सारे के सारे खर्चे आपके लेस हो जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो आपको 69 यानी कि 69,910 रुपये और 18 पैसे का आपको नेट प्रॉफिट हुआ है। तो अब ये नेट प्रॉफिट भी आपके ग्रोस प्रॉफिट पर ही डिपेंड करेगा। हम वापस सेल को अगर थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं, मान लीजिए ये बिल है, इसको वापस हम अंडर करते हैं, क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट अकेला कुछ नहीं करेगा, आपके ग्रोस प्रॉफिट पर ही डिपेंड करता है। तो अभी आप देख रहे हो आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 16,959 हो गया, तो उसके वजह से आपका नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर ग्रोस लॉस आ रहा है, हम इसको एक बार वापस लॉस में लाते हैं, इसको हर आइटम को हम चेंज कर देते हैं। ये जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं सिर्फ एज हमारे ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को समझने के पर्पज से हम कर रहे हैं इसको। तो अभी आप देख रहे हो भी आपको इस बुक मतलब रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको 13,841 रुपये का ग्रोस लॉस अब हो गया है।
तो अब ये जो ग्रोस लॉस है अब आपका ये खर्चे के अंदर ऐड हो गया। अब ये कह रहे हैं भी आपको ग्रोस लॉस तो ऑलरेडी पहले ही हो रहा है 3448 रुपये का, और आपने इतने रुपये खर्चे और कर दिए, तो अब आपका कुल मिला के जो नेट लॉस हो जाएगा वो 17,289 रुपये और 82 पैसे का हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया भी आपने 3,448 रुपये और 82 पैसे के खर्चे ऑलरेडी आपने कर रखे हैं, तो आपको कम से कम इतने रुपये से अगर आपका ज़्यादा ग्रोस प्रॉफिट आता है तो आपको कहीं लॉस में प्रॉफिट आप में आप जाओगे। हम एक अमाउंट को वापस चेंज करके देखते हैं, इसको 1000 कर देते हैं। तो अब इसकी वजह से आप देखोगे अब आपके पास जो प्रॉफिट है वो 31,159 रुपये हो गया, और उसके अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस हो जाएंगे, तो वापस अब आपका बिजनेस में नेट प्रॉफिट है जो शो दिखाई देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों अब ये ग्रोस लॉस और ग्रोस प्रॉफिट आपके ये ट्रांजैक्शन पे भी डिपेंड करते हैं भी आपने जो प्रॉपर एंट्रीनिंग करी है वो सही तरीके से करी है कि नहीं करी, भी जो भी आपने परचेज और सेल का जो डाटा मेंशन किया है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर सही तरीके से शो कर रहा है या नहीं कर रहा, भी कोई टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पे ऐसा ना हो भी आपके सेल ज़्यादा हो लेकिन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो सेल का रिकॉर्ड है वो कम शो हो, तो उसकी वजह से भी आपको ग्रोस लॉस या ग्रोस नेट लॉस आपको शो कर सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।